गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण के कारण बेहद दबाव का सामना कर रहे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष डेविड पीवर ने गुरुवार को पद छोड़ दिया। इस प्रकरण के कारण पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगे, जबकि कई आला अधिकारियों को पद छोड़ने पड़े। पीवर को पिछले हफ्ते ही 3 साल के नए कार्यकाल के लिए पद पर चुना गया था। उनके चयन के एक दिन बाद हालांकि धोखाधड़ी प्रकरण में स्वतंत्र समीक्षा रिपोर्ट आई थी, जिसमें संचालन संस्था को फटकार लगाई गई थी। इसके बाद खुलासा हुआ कि सीए द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट को देश के राज्यों से छिपाकर रखा गया, जिन्होंने अध्यक्ष पद पर पीवर का पुनः चयन किया। इस खुलासे के बाद से पीवर के इस्तीफे की मांग होने लगी थी। संचालन संस्था के बयान में कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आज पुष्टि करता है कि डेविड पीवर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप से इस्तीफे की घोषणा की है। उपाध्यक्ष अर्ल एडिंग्स को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीए के मुख्य कार्यकारी जेम्स सदरलैंड, कोच डेरन लीमन और टीम परफॉर्मेंस प्रमुख पैट होवार्ड को इस प्रकरण के बाद अपने पद गंवाने पड़े, लेकिन पीवर अब तक बोर्ड से जुड़े रहते। एडिंग्स ने कहा कि हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से उबरने और पुनर्गठन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया जारी रखने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड को पता है कि हमें क्रिकेट समुदाय का विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। मैं और कार्यकारी टीम क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।